भारतीय छात्र संसद के 12वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष पुणे में किया जा रहा है। 15 से 17 सितंबर तक चलने वाली छात्र संसद में बड़ी संख्या में हिमाचल के युवा भी शामिल होंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज युवा समेत 10,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे। 3 दिवसीय इस छात्र संसद का आयोजन भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन और केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के संयुक्त की देखरेख में हो रहा है। छात्र संसद के स्टेट कोऑर्डिनेटर कमल ठाकुर ने शिमला में बताया कि छात्र संसद में भाग लेने के लिए 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। यह छात्र संसद 15 से 17 सितंबर तक पुणे में होगा। देश भर से छात्र नेता इसमें भाग लेंगे और ज्वलंत मुद्दों को लेकर इसमें भाषण के साथ चर्चा की जाएगी। 3 दिवसीय भारतीय छात्र संसद में भारत सरकार के कानून और न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित कई केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, अलग अलग राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजनीतिक, सामाजिक, मीडिया, अभिनय, उद्योग, कानून, आध्यात्मिक व खेल क्षेत्र के अनेक दिग्गज युवा शामिल होंगे। छात्र संसद में भाषण स्वतंत्रता, वंशवाद, भारतीय मीडिया, समान नागरिकता संहिता जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय छात्र संसद से रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय छात्र संसद एक यूएनओ सपोर्टेड एक संस्था है, जिसका कि भारतीय छात्र संसद के नाम से हर वर्ष पुणे महाराष्ट्र में एक इवेंट होता है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से जो है हर राज्य से वहाँ पर छात्र आते हैं और बर्निंग इश्यूज पर, जो जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जो है छात्र नेताओं द्वारा भाषण वहाँ पर दिए जाते हैं। वहाँ पर संबंधित उसके राजनीतिक पार्टी हो चाहे सामाजिक क्षेत्र के हो, बहुत से वक्ता वहाँ पर आते हैं, वो वहाँ पर उस पर समस्याओं पर भाषण देते हैं और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो वहाँ पर इसके साथ साथ यूथ टू यूथ कनेक्ट भी होता है, जहाँ पर युवा आपस में मिलकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और वहाँ से कुछ एक जो है सजेशन वहाँ से निकलते हैं और उन सजेशनों को जो है भारत की संसद में जो है प्रेषित किया जाता है। इस तरह का एक इवेंट वहाँ पर हो रहा है जो इस वर्ष भी वहाँ पर 15 से 17 जो है सितंबर तक होगा, जिससे रिलेटेड ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। और इसके माध्यम से हिमाचल के छात्रों को, हिमाचल के युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय छात्र संसद में आप जरूर जाएं, जिसकी रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक होनी है और 15 से 17 तक ये जो है पुणे में ये इवेंट रहेगा। तो प्रेस से, इसके माध्यम से आप लोगों से अनुरोध है कि इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जरूर इसमें जो है भाग लें। किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी? अंत मुद्दे हैं, जैसे कि आपको एक दो मैं बता देता हूं। मीडिया से संबंधित इशू कि मीडिया की स्वतंत्रता क्या है, कितनी है, और भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की लिमिट कितनी है, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो भारत में आप आजकल आप देख ही रहे होंगे। इन सभी मुद्दों पर जो है वहां पर चर्चा की जाएगी और समाधान निकालने की कोशिश युवाओं द्वारा की जाती है, छात्रों द्वारा की जाती है कि इसका क्या एक समाधान निकलेगा और किस तरीके से इन समस्याओं का जो है निदान होगा। N1 Live की स्पेशल रिपोर्ट।